हेलो फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली सुझा एनएम ग्लोबल के गाइडेड स्कूल के 13 बैच का स्टूडेंट हूँ। एनएम ग्लोबल में काम करने के दौरान और अपनी ट्रेनिंग के दौरान हमने इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस किया। उस सब का प्रेजेंटेशन मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम एनएम के स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एनएम इज अ ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड कम्युनिटी वेयर पीपल फाइनेंशियली हेल्प ईच अदर बाय द रूल्स ऑफ कम्युनिटी। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इंटरोगेशन के। बाय द रूल्स ऑफ कम्युनिटी हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये एनएम का जो है प्रोसीजर है। हियर वी आर गोइंग टू एनालाइज द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ एसोसिएशन विद दिस कम्युनिटी। ओके, सो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू कॉमन पीपल टू मेक देयर लाइफ बेटर बाय पार्टिसिपेशन। इस कम्युनिटी में शामिल होकर के हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका पाते हैं जो आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरे बिजनेस में जाने में, दूसरे किसी भी काम को करने में जिसमें पैसा बना सके, उसमें बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारा कंपटीशन है। लेकिन यह एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें आसानी से कॉमन आदमी एंटर कर सकता है और पैसे कमा सकता है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। बहुत छोटे से अमाउंट से हम $10 से शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि एनी टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। इसमें जो हम फंड हमारा क्रिएट होता है, जो बढ़ता है, वो किसी भी समय उपलब्ध होता है। हमें सिर्फ गेट हेल्प का रिक्वेस्ट डालना है और हमें पैसा मिल जाता है। फोर्थ है ग्लोबली वर्किंग अपॉर्चुनिटी। इस सिस्टम में काम करने के लिए हमें कोई लिमिट नहीं है कि हम यहीं पर काम कर सकते हैं। हम इस सिस्टम में अगर ज्वाइन होते हैं तो पूरी दुनिया में कहाँ भी किसी भी देश में काम करने का मौका हमारे पास होता है। दूसरा है कि इसमें कोई लेंडर और कोई डेप्टर नहीं होता है। पैसे दे के हम देते हैं, वो हेल्प में जाता है, वो उधार नहीं होता है। जब पैसे हमें आते हैं गेट हेल्प में तो वो भी उधार नहीं होता। कोई हमें ना हम कर्ज देते हैं ना कर्ज लेते हैं। हम केवल फाइनेंशियली एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सिक्स है सबसे बड़ा चीज कि हम कोई कंडीशनल हेल्प नहीं करते। कोई किसी से कारण नहीं बताते या मांगते हेल्प करने का। ये बहुत सारी स्ट्रेंथ है इस सिस्टम की। और कुछ वीकनेसेस भी हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी है वीकनेस है कि हमें इसमें शामिल होने के लिए कोई गारंटी नहीं होता है। हम जो भी पैसा इसमें लगाते हैं नो गारंटी में होता है। वापिस होगा, नहीं होगा, कब होगा, इसकी कोई गारंटी, कोई कमिटमेंट सिस्टम नहीं देता है। दूसरा है हम इसमें जो भी काम करते हैं रूल ऑफ कम्युनिटी के हिसाब से रहता है। इस पे कोई कानूनी बंधन नहीं है, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है। तीसरा है इसकी कोई एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। हर बार इसकी पॉलिसी बदल जाती है। कभी 30% हो जाता है, कभी 100% हो जाता है, कभी बोनस जुड़ जाता है, कभी बोनस नहीं जुड़ता है। तो कंसिस्टेंट पॉलिसी ना होना भी एक वीकनेस दिखाई पड़ता है मेरे को। फोर्थ जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो पीछे देखा हुआ है, वो है फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम बहुत बार फेल हो जा होता है, वो भी एक वीकनेस है। फिफ्थ है गैप बिटवीन लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट ऑफ पार्टिसिपेशन इज टू बिग। जो मिनिमम है $10 और मैक्सिमम है $10,000। ये गैप जो है बहुत ही ज्यादा है। इसमें होता क्या है, छोटा आदमी जो $10 लगा करके पार्टिसिपेट करता है और एक आदमी है जो $10,000 लगा के पार्टिसिपेट करता है। तो 10,000 लगाने वाले को पार्टिसिपेशन का जब गेट हेल्प करता है तो उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे छोटे लोगों का पैसा वहां चला जाता है। और जब छोटे लोगों के बारी आती है पैसा निकालने की, बढ़ा हुआ पैसा निकालने के लिए, तब तक शायद सिस्टम के पास पैसा कम हो जाता है देने के लिए। वो एक गैप है, उसके बारे में सिस्टम को सोचना चाहिए कि गैप कम करना चाहिए।
छोटे लोगों के और बड़े लोगों के बीच में जो गैप है। छठवां जो लगता है हमें एक कमी लगती है कि इसका कोई ISO सर्टिफिकेशन नहीं है या कोई ऑडिट सिस्टम नहीं है कि हमारा जो सिस्टम जिस तरह से कमिट किया गया है उसी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी हमको नहीं होती है कि जो पैसा हम डालते हैं बिटकॉइन में वो हमारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में ही जाता है या कहीं और जाता है या कोई सेंट्रल अकाउंट में जाता है, जैसा सिस्टम बोलता है कि इसमें कोई सिस्टम से सेंट्रल अकाउंट नहीं है। तो कभी कभी कोई ISO सर्टिफिकेट नहीं है, ऑडिट सिस्टम नहीं है जो इंश्योर करे कि पैसा हमेशा पार्टिसिपेंट्स को ही जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज की। इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है पार्टिसिपेट करने पे। सबसे पहले इसमें एक दूसरे की हेल्प के द्वारा ही हमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। रिटर्न्स वेरी हाई हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न हमको मिलता है। हमारे पैसों में जो बैंक में रिटर्न मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न हमको इस सिस्टम से मिलता है। और दूसरा तीसरा हमको सबसे बड़ा फायदा है कि हमें इसमें ग्लोबली काम करने का मौका मिलता है। हम पूरी दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में काम कर सकते हैं और उन जगहों से ही हम अपने दोस्त बनाते हैं, बहुत सारे दोस्त बनते हैं हमारे। और पांचवा है कि हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है इसमें। हम सोशल मीडिया के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, ऑनलाइन चीज़ों के बारे में बहुत सारा इसमें सीखते हैं। और थर्ड है कि थ्रेट्स क्या क्या हैं, थ्रेट्स क्या क्या हैं इसमें। थ्रेट्स इसमें है, एज पर वार्निंग हम अपना पैसा कभी भी लूज कर सकते हैं, किसी भी समय हमारा पैसा लूज हो सकता है। हम कभी भी इंश्योर नहीं कर सकते कि पैसा हमारा आएगा, कोई भी आदमी हमें गारंटी नहीं देता है पैसा आने की, इसलिए हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि हम लूज न कर जाएं। और कोई ये एश्योरेंस नहीं है कि आप सिस्टम कब तक चलेगा, इसका कंटिन्यू रहने का कितना टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है। और सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो ये है कि ये कोई भी टाइम पे रूमर को फॉलो करके भी कोलैप्स होने की तैयारी में हो जाता है, फेल होने की तैयारी में हो जाता है। और फोर्थ, हमारे हिसाब से ये एक आसान सा सिस्टम है जो इजीली कॉपीएबल है, इसलिए दूसरे कॉपी कैट्स भी इसके लिए बहुत बड़े थ्रेट्स हैं जो इसकी किसी भी टाइम पे थोड़ा सा भी रूमर के चलते अगर सिस्टम स्लो डाउन हुआ है तो उसका फायदा उठा करके आसानी से अपने कॉपी किए गए सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और हमारे सिस्टम को तकलीफ में डालने के लिए वो भी एक थ्रेट है। तो ये हमारी तरफ से एक शॉर्ट एनालिसिस वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, होप यू लाइक इट। एनीवे, थैंक यू, बाय बाय। लॉन्ग लिव MM इंडिया, टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू।